नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लगातार 38 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की धरना अभी तक जारी है। इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, मंत्रियों से भी मिले, आश्वासन तो सबसे मिला लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। तो आइए जानते हैं कि आज इन लोगों का क्या कहना है। आज 38 दिन है और कितना दो? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक से हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। दिन तो वो गिनते हैं जिनको डर लगा रहता है। हमारे पास कोई दिन ही नहीं है क्योंकि घर में भी हम दिन काट रहे थे और यहाँ आके हमारा दिन बीत रहा है, बस अंतर इतना आ गया है। तो जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। और सरकार ने हमें जिस तरह के आश्वासन दिए हैं, बार बार आश्वासन का शिकार शिकार हो चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग 3 मार्च को जो विधानसभा सत्र चलेगा, तो 3 मार्च के दिन में हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। क्योंकि विधानसभा घेराव इसलिए करेंगे क्योंकि अब हमारा जो पूरा का पूरा दारोमदार जो है अब तमाम विधायकों के ऊपर टिका हुआ है कि अब जो वो करेंगे विधानसभा के सत्र में वही कर सकते हैं। तमाम मंत्रालय के पास गए हैं, सब लोगों ने हमें केवल आश्वस्त दिया। जहां एक और माननीय बादल पत्र लेख जी, माननीय आलमगीर आलम साहब हमें आश्वस्त करते हैं कि आपकी नियुक्ति हम कराएंगे, वही दूसरी ओर एक दिन के बाद ही पंचायत सचिव नियुक्ति को आहरित करने वाली खबर हमें पत्रकार के माध्यम से हमें पेपरों में दिखती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का मनोबल टूटता है कि जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करके वापस लौटते हैं वही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि 3 मार्च के दिन में हम अपने माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार के सहित, एक नहीं बल्कि पूरा 5000 अभ्यर्थी अपने माँ बाप भाई बहन के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए उतरेंगे 3 मार्च को। और जब घेराव होगा तो जानिए कि वो मंजर क्या होगा, जहाँ पे माँ भी रहेंगे, बाप भी रहेंगे, भाई भी रहेंगे, बहन भी रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी रहेंगे। और इस रूप में हम इसका घेराव करेंगे क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। पिछले 38 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है भैया, ये कोई आम बात नहीं है। 38 दिन बहुत बड़ा बात होता है और अभी तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। समय आखिर आपको कितना चाहिए? और समय हमारे पास समय नहीं है, हमारे माँ बाप हमारे लिए समय देखने रखे हैं। बस हम चाहते हैं कि आपके पास समय जो है उस समय का सदुपयोग करिए। अगर करने की नियत हो तो तुरंत किया जा सकता है, अगर नियत नहीं हो तो आप हमें बार बार टालते रहेंगे। आपसे कितने मंत्री मिलने आए? मंत्री तो हमसे मिलने नहीं आए हैं लेकिन हम तमाम मंत्री के पास गए हैं, सब मंत्रियों से मिल चुके हैं। सब लोगों ने आश्वस्त किया कि आपकी नियुक्ति कराएंगे लेकिन इन मंत्रियों के बातों पे हम लोग भरोसा करके ही अब तक टिके हुए हैं और अभी भी भरोसा ही रख रहे हैं कि हमारे साथ हित करेंगे। लेकिन कब तक? मरता क्या नहीं करता। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम तो मरने के लिए बैठे ही हैं, जरूरत पड़ेगा तो मारने के लिए उतरेंगे। अब खाना पीना क्या? खाना पीना दिन भर तो भूखे ही रहना पड़ता है, रात को एक वक्त घर जाके खाना बना के खाना पड़ता है, फिर सुबह आके बैठना है। जैसे मानो कि हमारी ज़िंदगी जो है ना एक ड्यूटी जैसी हो गई है कि सुबह यहाँ पे 8 बजे आना है, शाम को रात को 8 बजे तक जाना है, 12 घंटा ड्यूटी निभाना है यहाँ पे। एक तरह से सरकार आपको ड्यूटी दे दी है, बस पैसा। बिल्कुल ड्यूटी दे चुकी है। और ये लड़ाई मैं बताना चाहता हूँ युवाओं को कि ये लड़ाई सिर्फ हमारा पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर नहीं है भाइयों, ये लड़ाई हमारा सिस्टम से है। आज जो सिस्टम में जिस तरह का खोखलापन दिख रहा है उसे बदलना है हमें, और इसे बदलने के लिए हमें एक नए युग की शुरुआत करनी है। और ये बदलाव की शुरुआत जो है पंचायत सचिव के युवाओं ने अब तक लड़ करके यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि 3 मार्च का जो आह्वान किया जा रहा है उस पर आपको हर हाल में पहुँचना है, क्योंकि 3 मार्च के दिन में एक बहुत बड़ा बिकुल फूका जाएगा और उसकी डुगडुगी जो है हम लोगों ने बीते 24 तारीख को बजा दी है। जैसे मानव श्रृंखला बनाया था तो धारा 144 लागू कर दिया गया था, 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वैसे ही उस दिन भी किया जाएगा तो क्या कीजिएगा? लाठीचार्ज कुछ भी करेगा, हमारे साथ हमारे माँ रहेंगे, भाई रहेंगे, बाप रहेंगे, बहन रहेंगे, किसको मारेगी? वो जेल में उतना जगह नहीं जहाँ पे वो रख सकती है हमें, चाहे जहाँ भी लेके जाएगी हम जाएंगे लेकिन अपनी नियुक्ति को हम लेके रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले इस चीज को। तो आपने सुना कि 3 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे, इन लोगों का पूरा मन बन चुका है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत।